हेलो फ्रेंड्स, ये है होंडा i10। फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी में जो इंजन ऑयल है लीक हो रहा है, आपको एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगा कहाँ से इंजन ऑयल लीक हो रहा है। तो जिस टाइम गाड़ी के नीचे आएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इजी कितना ऑयल जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप। नीचे आप देख सकते होंगे इसके गियर बॉक्स के अंदर से आपको ऑयल लीक हो रहा है, इसका देख सकते होंगे आप। इसका जैसे ऑयल लीक हो रहा है, अंदर जो क्रैंक शाफ्ट सील होती है उस सील में से ऑयल जा रहा है, क्योंकि क्रैंक इसमें से इतना आना चांस नहीं। जैसे स्टार्ट करेंगे काफ़ी ऑयल आपको जा रहा है इसमें से। मैंने पहले भी आपको वीडियो एक बना के डाला था, उसमें आपको वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है उसमें, इसलिए इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए क्रैंक शाफ्ट सील रिप्लेस करने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम इसको गियर बॉक्स को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के जो हम इसको क्रैंक शाफ्ट की सील, क्लच से फ्रेल रिंग सारे फिटिंग खोलेंगे। अब एक 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 आपको दिखाऊंगा जो नेक्स्ट टाइम गियर बॉक्स को खोल लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम बैटरी बॉक्स से स्टार्टर केबल, गियर केबल सारे फिटिंग खोलूँगा। टे शाफ्ट को ऑयल सब ड्रेक लेना होगा। उतनी फिटिंग आपको जितनी फिटिंग होती इतने खोल के जो मेन आपको पॉइंट आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे इसके बैटरी बॉक्स निकाल चुका हूँ। इसके गियर केबल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, ड्रिल से इसके आपको दो बोल्ट आ गए हैं गियर केबल्स के, स्टार्टर के बोल्ट और गियर बॉक्स के बोल्ट, क्लच केबल सब सारी फिटिंग खोल चुका हूँ। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ड्रेस शाफ्ट को निकाल चुका हूँ। देख सकते हैं आप नीचे की गियर बॉक्स फिटिंग है, इस फिटिंग को निकाल चुका हूँ। गियर बॉक्स के उधर एक बोल्ट आएगा, उसको निकाल चुका हूँ। जो नेक्स्ट टाइम गियर बॉक्स को बाहर निकाल के बाद आपको नेक्स्ट क्लच निकालेंगे। आप देख सकते हैं कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, जो नेक्स्ट टाइम गियर बॉक्स निकालना होगा हमें। आप देख सकते हैं ऊपर की फिटिंग के लिए आपको अकॉर्डिंग से इसके तीन बोल्ट है, आपको ये तीनों बोल्ट खोल के इजीली जो गियर बॉक्स है नीचे आ जाएगा। स्टार्टर के दो बोल्ट, ऊपर के गियर बॉक्स के दोनों बोल्ट सारे खोल चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं खोल के जो नेक्स्ट गियर बॉक्स है डाउन करूँगा। फ्रेंड्स, गियर बॉक्स को जो बाहर निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं गियर बॉक्स के अंदर कितना ऑयल है, इंजन ऑयल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम चलो क्लच की तरफ से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ऑयल अंदर से आ रहा है, अभी क्लच खोला नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम क्लच को बाहर निकालेंगे और फ्रेल निकालेंगे। देख सकते हैं ट्वेल्व से इसके सारे बोल्ट को लूज करके क्लच है निकाले रहा था। तो चलो नेक्स्ट टाइम क्लच को बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्लच को जो बाहर निकाल चुका हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम इसको फ्रेल के सारे बोल्ट को लूज़ कर लिया हूँ ईजिली, यहाँ पे टाइटली बदल के आपको सारे बोल्ट ईजिली आप खोल सकते होंगे। 17 से इसके बोल्ट आते हैं आपको अंदर बोल्ट को, सारे बोल्ट को बाहर निकालने के बाद इजीली जो फ्रेम है इसके। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते होंगे इसकी सील ही बाहर आ चुकी है, इतनी गैप आई हुई है आप देख सकते होंगे। इसीलिए जो पूरा इंजन में से ऑयल है जो पूरा खाली हो जाता है, जब स्टार्ट करते हैं जब पंपिंग होता है आपको जो ऑयल है सारा जो है ड्रे हो रहा है नीचे की तरफ, देख सकते होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलेंट भी काफ़ी यहाँ पे लीक हुआ है। यहाँ पर एल्बो देख सकते हैं, जो कूलेंट का एल्बो होता है, इस कूलेंट के एल्बो में से आपको काफ़ी कूलेंट ड्रॉप हो रहा है। इस कूलेंट के एल्बो को रिप्लेस करना पड़ेगा इसको फर्स्ट टाइम। जो नेक्स्ट टाइम इसका जो नेक्स्ट क्रैंक शाफ्ट सील है, सील को बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं इसीलिए हाथ से आ जा रही है, काफ़ी हार्ड हो गई है सील। जो नेक्स्ट सील को रिप्लेस करेंगे इसको थोड़ा अच्छा सा बिकलिंग कर लेना होगा। देख सकते हैं कि सील है ये, जो नेक्स्ट न्यू सील ला के इंस्टॉल करेंगे हम, इसको अच्छे से क्लीन करके जो है अंदर की तरफ हल्का सा बांध लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अच्छे से क्लीन कर लिया हम पेट्रोल से,
पेट्रोल से डीजल सब से क्लीन करना होगा, जैसे आयल सील बेचती है जगह पे देख सकते हैं इसकी जो नई ऑयल सील है मंगा चुका हूँ मैं। ये जो है पुरानी वाली ऑयल सील, ये जो है न्यू ऑयल सील। नेक्स्ट इसको सील को जो हम अच्छे से इंस्टॉल कर देंगे। आपको देखना होगा अंदर की जो स्प्रिंग जो सील होती है, स्प्रिंग देख सकते हैं उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। आपको इजीली आपको पिठा के से हल्का सा होता है बांध डाल सकते होंगे। तो नेक्स्ट टाइम सील को हमको देख के बिठाना होगा जो अंदर का ये पॉइंट है इस सील को, हम देख को इंस्टॉल करके जो है आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। और देख सकते हैं कि अब कूलेंट का एल्बो है वो भी न्यू इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, क्योंकि जो कूलेंट है लीक हो रहा था इसमें। जो पुराना वाला आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये है इसका पुराना एल्बो। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो ओवरिंग है पूरी डैमेज हो चुकी है, पहले से ही जो है एक एक ड्रॉप लीक हो रहा था, इसलिए एल्बो को जो है एल्बो को रिप्लेस कर दिया हमने। जो नेक्स्ट टाइम इसको सील इंस्टॉल करेंगे, सील इंस्टॉल करके बता आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो न्यू सील है इंस्टॉल कर चुका हूँ। देख सकते हैं एक समाज से आपको जो है सील को है इंस्टॉल कर ले आना होगा। कहीं भी एक तरफ बाहर आ चुकी है एक तरफ अंदर जा चुकी है ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक ही समाज के साथ आपको जो है सील मार ले आना होगा। आप देख सकते हैं इजीली हैमर से लेकर एक टैपिंग कर लेगा, एक हिसाब से आपको इजीली राउंड शेप मार लेना होगा। आपको एक तरफ अंदर जाएगी एक तरफ बाहर आएगी तो तभी भी लीक स्टार्ट करेगी, इसीलिए जो सील को जो है कभी भी एक समाज से इंस्टॉल करना होगा। तो नेक्स्ट इसकी जो फ्रेविल रिंग है फ्रेविल डाल के क्लच इंस्टॉल कर देंगे, क्लच इंस्टॉल करके जो नेक्स्ट है गियर बॉक्स चढ़ा देंगे। नेक्स्ट हम फ्रेविल रिंग को इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे गियर बॉक्स को जो इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, जैसे गियर बॉक्स इंस्टॉल करके बैठेंगे तीनों बोल्ट डाल के, जो राउंड गियर बॉक्स बोल्ट होते हैं सारे बोल्ट को जो है इंस्टॉल कर चुका हूँ। जो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे अभी सेल्फ स्टार्टर बाकी है, कंप्लीट सारी फिटिंग करके आप देख सकते हैं गियर केबल्स के बोल्ट सब डालना होगा, सारी वायरिंग गिवरिंग कंप्लीट फिटिंग करके जो है फाइनल में आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट है इसको जब वाटर वॉश करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे गियर बॉक्स के बाद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे इसकी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, इसके बैटरी सब इंस्टॉल कर चुका हूँ, कूलेंट डाल चुका हूँ। जो नेक्स्ट हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करके जो नीचे की तरफ इंजन ऑयल भी टॉप अप किया है, कम हो गया था काफ़ी इंजन ऑयल। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हम गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। गाड़ी जो स्टार्ट हो चुकी है हम अब गाड़ी के नीचे जाएंगे। देख सकते हैं गाड़ी रनिंग में है, ऊपर देख सकते होंगे टैंक शॉप में देख सकते हैं वहीं से जो अब जो पुराना है आपको ऑयल लीक होता था, अब देख सकते हैं ड्रॉप या ऑयल लीक नहीं है इसमें। पहले क्या होता था तो गाड़ी जैसे स्टार्ट करते काफ़ी ऑयल निकलता था, देख सकते हैं कहीं पे भी ड्रॉप ऑयल लीक नहीं है। इसको हल्का सा अच्छे से हम इसको वॉश कर लेंगे, शील्ड अप तो है पेंसिल को बनाना था चलिए शील्ड आई जाते हैं शील्ड पेंसिल कर देना था। कहीं पे भी आपको लीक नहीं है, आप देख सकते हैं एयरबो भी इंस्टॉल किया हमने, एयरबो में कहीं भी कूलेंट लीक नहीं है, आपको कूलेंट सब इंस्टॉल कर चुका हमने।